नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में। एक पेंटिंग जो है आपके घर की ब्यूटी को एनहांस करते हैं, साथ में आपके मूड के ऊपर इनका काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। आपके इंटीरियर को एनहांस करने के अलावा ये आपको एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, यानी कि आपकी साइकोलॉजी में। तो एक थीम अच्छा सा चूज़ कर लें, जो भी आपके घर का थीम है वो आप ले लें, साइज़ बढ़ा लें। एटलीस्ट 25% आपकी वॉल कवर होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से आप 25% नहीं कवर कर पाते तो मल्टीपल फ्रेम्स ले लें, वो अच्छा दिखाई देगा। ह्यूमन हाइट्स के ऊपर उनको हैंग करें, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे उनको हैंग नहीं करना है। अगर आपके पास गैलरी स्पेस बन रहा है तो उसमें मल्टीपल फ्रेम्स लगाएं, वो अच्छे दिखाई देते हैं। रिलीजियस थीम की पेंटिंग्स को प्रेफरेबली रिलीजियस एरिया में लगाएं, अनलेस दे आर वेरी आर्टिस्टिक एंड डिफरेंट, नहीं तो वो अच्छे नहीं दिखाई देंगे। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के अलग होते हैं। मोनोक्रोमेटिक थीम, यानी कि जब आप एक कलर पैलेट से घर बनाते हैं, खासतौर से छोटे घर में जब आप एक ही कलर से पूरे घर को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी पेंटिंग को मोनोक्रोमेटिक ही रखें, कॉन्ट्रास्ट में ट्राई ना करें। अच्छे फ्रेम की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे सेफ होता है वुडन फ्रेमिंग, और इसके अलावा ब्लैक एंड ब्राउन कलर में ये हमेशा सेफ होते हैं। तो इस तरह से आप अपने कलर को, फ्रेम को अच्छे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हर पीस आर्ट नहीं होता। एक कलर पैलेट एक या कैनवास के ऊपर फैले हुए कलर, वो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट हो। और हर तरह के आते हैं, रीप्रिंट भी आते हैं, रीप्रोडक्शन भी आते हैं। तो आपको अपने सेंस से ये चीज़ को डेवलप करना होगा कि गुड आर्ट और बैड आर्ट क्या है। हम आ गए हैं अर्चित आर्ट गैलरी, जिनका ये सेकेंड स्टोर है। इस स्टोर में द पर्सनली व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इज, यहाँ पे जब अभी आप पेंटिंग परचेज करने के लिए जाएंगे तो उनके खुद के एस्थेटिक सेंस इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपको सेलेक्ट करके बता देंगे कि कौन सी पेंटिंग है जो आपके लिए अच्छी है। फॉर मोर देन 40 ईयर्स संजय सर हैज़ बीन इनटू दिस बिज़नेस, और वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई करते रहे। दिस इज़ आर 6th वीडियो विद देम, इनफैक्ट 7th वीडियो इफ आई रिमेंबर इट राइट। और इन्होंने बहुत सारे घर में, इनके हमने कई सारे घर पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन एरियाज में भी देखे थे जहाँ पर इन्होंने पेंटिंग सप्लाई की, और हमने शूट भी किए और आपने शायद देखे भी होंगे। तो चलिए आज आपको बहुत सारी टिप्स इस वीडियो में देंगे, बहुत सारी पेंटिंग्स भी आपको दिखाएंगे, स्पेशली फॉर द पीपल दोज़ हु आर इनटू फर्नीचर बिजनेस, उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग ऑफर है। इससे गिव अवे वीडियो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? बस ठीक है, बढ़िया है सर, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस नई गैलरी के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ जी, कलेक्शन भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारा डिफरेंट है। हाँ जी, सारी पहले से बहुत फर्क है उसमें पेंटिंग में। ओके, तो मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो आपके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, तीसरा है, चौथा वीडियो है, आई कैन नॉट रिकलेक्ट द राइट नंबर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये एक नया लोकेशन है, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बता दें, फिर हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये दिल्ली में कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर ब्लॉक इसको कहते हैं, वहाँ पर हमने ये बेसमेंट में हमने एक नई गैलरी खोली है। उससे पहले आप देख ही चुके हैं, गोल मार्केट में हमारा पेंटिंग का गैलरी थी जी, और अब ये नया खोला है। इसमें थोड़ा साइज हमारे बड़े साइज निकाले हैं, और काम बहुत फाइन काम इसमें यहाँ पे रखा है हमने, और वहाँ तो हर तरह का काम था, यहाँ पे सिर्फ बढ़िया ही काम रखा है हमने, स्पेशल काम रखा। अच्छा। हाँ जी, डन। हम जब वहाँ पे आपके साथ शूट करते थे तब भी हमने इस बारे में बात की थी। हाँ जी, वो हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात एक ये आप बता रहे थे, जिस तरह की इसको यहाँ पे कीर्ति नगर शिफ्ट होने का क्या पर्पज था? ये साइज, वहाँ जगह छोटी थी, यहाँ जगह थोड़ी बड़ी, साइज एक्चुअली बड़े कस्टमर बड़ा मांगते थे कि साइज बड़ा चाहिए। और ये गैलरी स्पेशल तो मैंने फर्नीचर वालों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के जो फर्नीचर वाले हैं ना जी, उनके लिए मैंने ये गैलरी समझो खोली है। अच्छा। क्योंकि फर्नीचर वाले जो मांगते हैं पेंटिंग, वो थोड़ा साइज बड़ा भी मांगते हैं, नीचे उनके सोफे वगैरह होते हैं, बेड होता है, दीवारें उनकी पूरी खाली होती हैं, और वहाँ पे उनको बड़ी पेंटिंगें चाहिए होती है, वो वहाँ पर मिल नहीं सकती थी। अब यहाँ पर बड़ी पेंटिंग भी है, और वहाँ से थोड़ी ऊपर रेंज की भी हमने करी है, कि उनको ये शिकायत होती थी कि भाई सस्ती रेंज है, वो हमारी गिफ्ट में चली जाती थी। अब ये गिफ्ट में जाएगी नहीं, अब ये आपकी बिकेगी और आपको कुछ मार्जिन भी दे के जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और बहुत मतलब उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया अगर वो एक बार यहाँ पर आए और मेरे से डील करें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनके मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और बिगनिंग ऑफ द वीडियो हम बात कर रहे थे कि पेंटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उनकी माउंटिंग होती है, क्या साइज लेना है, क्या थीम लेना है। हाँ जी, ये सब के बारे में हमने व्यूअर्स को बता दिया। हाँ जी, इस स्टोर में मैं देख रहा हूँ सबके लिए हर थीम का कुछ ना कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये हो गया हमारी कहानी का थोड़ा सा सारांश, द जिस्ट ऑफ द होल स्टोरी इज लाइक दिस, दैट दिस इज आवर सेकंड गैलरी एंड दिस इज एक्चुअली केटरिंग टू द पीपल दोज़ आर नॉट ओनली आर्ट लवर्स लाइक मी, दो जो अपने घर के लिए खरीदते हैं वो, साथ में उन लोगों के लिए भी जो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्पेशली ऑलरेडी होम डेकोर आइटम्स में है या फर्नीचर बिजनेस में है, राइट।
जितने मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल ऑन कैनवास, वाटर ऑन कैनवास, ये सारे हैं, ये सब साइज हमारे पास सारे मीडियम्स मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। जो वाइट पार्ट है दैट्स कॉल्ड माउंटिंग, ये वाटर कलर पेंटिंग है और पेपर पे है। और हाँ, और पेपर पे जब पेंटिंग बनती है तो उसमें साइड में बॉर्डर भी लगता है और ग्लास भी लगता है जी, इसमें ग्लास लगा हुआ है। ये साइज छोटा है, ये साइज का बड़ा है, राइट। तो ये माउंटिंग जब आप कैनवास पे करते हैं, जैसे एक हमारे पास टाइगर में है जिसमें माउंटिंग नहीं है, तो आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि माउंटिंग नहीं कराना है आपको। ये ओपन, ये ओपन है, राइट। हाँ जी, क्योंकि ये इजी टू मेंटेन होती है, इसलिए ये वॉशेबल है, ये इसको गीला कपड़ा लगाओ, सरों का कपड़ा लगाओ, कोई खराब नहीं होती। ओरिजिनल पेंटिंग लाखों करोड़ों की पेंटिंग बिकती है, तो अगर कोई मतलब थोड़े दिन के लिए कोई लगाएगा कि थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, तो ये वही चीज है। कैनवस वगैरह वही, बड़े आर्टिस्ट भी वही इस्तेमाल करते हैं, छोटे भी वही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, और कलर भी वही इस्तेमाल करते हैं 90%। तो बस सिर्फ हाथ का फर्क होता है, आर्ट का फर्क होता है, आर्टिस्ट के नाम का फर्क होता है। तो जो मीडियम ऑयल ऑन कैनवास है या एक्रेलिक ऑन कैनवास है, उसको आप विदाउट माउंटिंग और विदाउट ग्लास के हैं। जो वाटर कलर से खराब हो जाते हैं, इसके लिए वो ग्लास का माउंटिंग ये करना जरूरी है, इनको ओपन नहीं लगाना, ओपन नहीं लगेगा। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। बड़ा साइज, छोटा साइज, किस तरह की फ्रेमिंग, माउंटिंग है। फ्रेम भी हम बहुत बेसिक रखते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े और एक्सपेंसिव फ्रेम्स भी करके आप दे सकते हैं, राइट। हाँ जी, जी फ्रेम में पेंटिंग के अकॉर्डिंग फ्रेम हमने लगाए हुए हैं। अब अच्छा। जैसे ये देखिए, अब ये मॉडर्न में लोग ज्यादातर कहते हैं विदाउट फ्रेमिंग हो जी, अब इसमें ये हमने विदाउट फ्रेमिंग है ये हमारी, राइट। इसमें हमारा पीछे वुडन वुडन टाइप का फ्रेमिंग होता है, ये इस तरह की फ्रेमिंग है जी। और अगर इसमें कोई फ्रेम चाहे तो फ्रेम ऊपर से लग सकता है। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल फ्रेम जैसे इसमें लगा हुआ है, जैसे इसमें ये लगा हुआ है, राइट, ये फ्रेम भी लगा हुआ है इसमें। चलिए, एक चीज और है जो हम कंक्लूड करना चाह रहे थे, फिर हम बहुत सारी पेंटिंग्स ऑफ कोर्स देखेंगे। हाँ जी, कि अगर आप जब भेजते हैं इनको तो पूरा फुल फ्रेम के साथ भेजते हैं। हाँ जी, आप हाँ अपने एंड पेन के फ्रेम चेंज करा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। एक पिछले 2-3 वीडियोस में ये प्रॉब्लम थी कि वो वीडियोस में से लोग अभी भी आपको कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं वो पेंटिंग दे दीजिए। मेरे पास तो डेली के 10 फोन आ रहे हैं आपकी वीडियो देख करके। थैंक यू वेरी मच, यू आर सो स्वीट। इनफैक्ट आपके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। बट प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि वो पेंटिंग्स अवेलेबल नहीं होती हैं। वो फिर अभी वही है ना, मैं बताता हूँ कि हमारे पास डेली के हम कैटलॉग इसीलिए नहीं बना पा रहे, क्योंकि डेली नया कलेक्शन होता है जी, और डेली नया कलेक्शन में कैटलॉग बन नहीं सकती। जो कि हम कैटलॉग अगर कोई पुराना कलेक्शन हो तो भेज दें, डेली नया कलेक्शन है, डेली नए आर्टिस्ट आते हैं, नया पेंटिंग बनाते हैं, और सेम पेंटिंग जो अच्छे आर्टिस्ट है वो तो सेम पेंटिंग को कॉपी भी नहीं कर सकते, अपनी पेंटिंग को नहीं कॉपी कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ आर्टिस्ट है जो सिर्फ कॉपी करते हैं, हाँ। वो कोई भी पेंटिंग आप लाओ, अपना पोर्ट्रेट बनवाओ, वो कर लेंगे। अगर हमारे पास वो फैसिलिटी है, हम किसी को कस्टमाइज करना है वो कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए। तो इन शॉर्ट ये कहने का मतलब हो गया कि जो भी पेंटिंग आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो अवेलेबल हो सकता ना है। अगर कल वीडियो आ गई और परसों आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक बात है। आप आइए, अगर मेरे यहाँ पर आएंगे आप निराश होकर ये नहीं जाएंगे, इतना मेरी गारंटी है। हाँ, प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं। प्राइस मैं उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से मतलब मैंने काम जो दिया रखा है बहुत मतलब बहुत ही रीजनेबल रखा हुआ हमने। चलिए, एक तरह साइड से एंड करें, स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, और पूरा यूव में जाएंगे, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ गैलरी। हाँ जी, लेट्स शो इट टू आवर व्यूअर्स नाउ। सो अब एक एंड से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे, राइट, वन आफ्टर अनदर। हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, आई थिंक ऑल थीम्स, जितने भी थीम आपको चाहिए वो सब यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मॉडर्न आर्ट में। हाँ जी, मॉडर्न में फेसेस है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा काम है हमारा। साइज क्या है सर इसका? ये 4x6 का साइज है पेंटिंग का, और फिर फ्रेम के साथ थोड़ा बढ़ जाता है। 4x6 का साइज है इसका। हाँ जी, ओके। प्राइस रेंज का कुछ आइडिया हमें दे दें आप। प्राइस, इस पेंटिंग का प्राइस है 28,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। वो फिर फिश है, कुछ कुछ पेंटिंग्स है जिनकी प्राइस आप हमें बता दीजिए। बता देंगे, हाँ। राइट, ये नेचर है, इसको जरा एक बार हम हटा के देखें नेचर के हिसाब से। हाँ जी, और इसका प्राइस भी बता दीजिए, क्या रेंज में होगा ये वाला, क्या रेंज में होगा ये? 18,000 की है। 18,000 का, सब के सब ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल ऑयल ऑन कैनवास है ये, या फिर एक्रेलिक ऑन कैनवास? दीज आर नॉट प्रिंट आउट्स? नो नो, ये सब प्रिंट आउट नहीं है, राइट। ओके, एंड गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल आर्ट नाउ। ये मधुबनी आर्ट है। ओके, एक ये हमारा देखिए राधा कृष्ण में, राइट, जो आपको लगता हो प्राइस का आप बताना चाहें मुझे प्लीज बता दीजिए, है ना? ठीक है, ये राधा कृष्ण है जी, और ये इस पे सारा गोल्ड वर्क काम है, ये राजस्थान के जो नेशनल वार्ड आर्टिस्ट है उनका काम है ये। अच्छा, हाँ जी, इसका प्राइस हमने बहुत रिजनेबल रखा हुआ है, 31,000 दिस इज ओरिजिनल वर्क विद गोल्ड वर्क। हाँ जी, ओके, और इसका फ्रेम भी बहुत फाइन फ्रेम है जी। ओके, फ्रेम देखिए तो इसके साथ मैचिंग है, 31,000 रुपीज़। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और ये बर्ड्स पेंटिंग है, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बर्ड्स की बनाता है वो। अच्छा, ये 1200 ईच है।
1200 rupees ईच। इनको जब भी छोटे साइज का पेंटिंग लेते हैं, क्रिएटिव टिप देते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो आप तीन या चार के पैर में लें, एक या सिंगल नहीं लें। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं सर, एक ले लेते हैं, एक सिंगल बहुत पूरे वॉल पे अच्छा नहीं लगता, एकदम खाली खाली लगता है। तो यू हैव टू पुट देम इन कॉम्बिनेशन, एक दो तीन, और जो रिलीजियस पेंटिंग्स हैं आप उनको रिलीजियस एरिया में लगाएं तो दे विल लुक गुड। एक ऊपर देखिए पेंटिंग में कितना काम है जी, बहुत काम किया हुआ आर्टिस्ट, बुद्धा प्लस टेक्सचर भी है साथ में और ब्रश वर्क भी है सारा राइट। ये क्या साइज में और क्या प्राइस में? ये 42-52 है इसका साइज, और ये है 13,000 रुपए की। डन, एंड दिस इज योर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये इसके बहुत बड़े बड़े साइज भी आपने बनाए हैं पहले? हाँ जी, हमने पूना में शूट किया। हाँ जी, हाँ जी, ये आर्टिस्ट के बाद लाइक करते हैं लोग। उसके बाद ये देखिए आप, ये सारा लीफ के ऊपर पेंटिंग है, ये काफी इम्बोज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी इम्बोज है। राइट, ये क्या उससे व्हाट यू कॉल इट, नाइफ से? हाँ, नाइफ शेप करते हैं सारा। ऑलराइट, अलग अलग तरह के पेंट वर्क होते हैं, नाइफ का, ब्रश का, स्प्रे का, चारकोल का, एक्रेलिक है, अलग अलग मीडियम लोग यूज करते हैं, एक ये टूल्स भी अलग अलग होते हैं। राइट, ये भी हमें पेयर में खरीदने हैं। हाँ जी, ये कि हमारा आर्टिस्ट है, ये हमारा आर्टिस्ट जो है कमर्शियल काम भी करता है और फाइन काम भी करता है ये। अच्छा, हाँ, दोनों तरह का काम है। अगर जैसे अब ये इसका ये साइज है, इसका साइज आपका 44x52 है, ये 11,000 की है। अच्छा, और इसका अगर हम छोटा साइज भी लेंगे तो वो भी 15,000 रुपए का भी है, 18,000 का भी है, ऐसा है मतलब। ठीक है, वो मगर काम के ऊपर है। ओके, काम के ऊपर है सारा। डन, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अभी। एक ये है काम, ये इसको वर्ली आर्ट कहते हैं जी। जी, ये वर्ली आर्ट है। अच्छा, हाँ जी, ये क्या प्राइस रेंज में? ये 750 है, ये पेपर के ऊपर वर्क किया हुआ है। वर्ली आर्ट का जो ओरिजिनल है वो महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र से, हाँ जी। डन, ओके, सो इसको भी आपको क्योंकि छोटे साइज में तो कॉम्बिनेशन लेना है। ये तीन का चार का सेट ऐसे लगता है। राइट, हाँ, चलिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वॉल। एक हमारा हॉर्सेज, ये भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अब ये बहुत लॉकडाउन टाइम में मैंने खरीदा हुआ है। अच्छा, कौन सा आर्टिस्ट था, किससे लिया ये मुझे पता नहीं, दोबारा कॉपी को गए तो नहीं मिल पाएगी इसकी। अच्छा, वो ये चीज है, एक ही पेंटिंग है। हाँ जी, हाँ जी। क्या रेंज में होगा वो? ये 15,000 रुपए का है। दोनों साइडों में वो लगा सकते हैं, या इसको आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, तीन का सेट सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर तीन का हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। राइट, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ह्यूमन फिगर्स तो नहीं है इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर जो है किसी तरह का एनिमल फिगर है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। एक ये हमारी सबसे स्पेशल पिक्चर्स हैं, ये पेन वर्क काम है सारा जी, पेन से काम किया हुआ ये जी, ये वो काम है हमारा। दिस इज माई फेवरेट। हाँ जी, आपने ऑफ कैमरा जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उससे पहले हमने बताया था कि वी विल रन अ कॉन्टेस्ट। हाँ जी, दीज आर माई फेवरेट इनफैक्ट, एंड इसके चार पेंटिंग्स का कॉम्बिनेशन या दो का पेंटिंग का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू योर स्पेस हम क्लैप क्लैप की तरफ से हमारे व्यूअर्स को देंगे इसमें। बिल्कुल, आई जस्ट फेल इन लव विद दीज, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मतलब दिस इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक। इट इज़ रियलिस्टिक प्लस अगर आप देखें तो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट भी है ये। हाँ जी, और ये पूरा पेन से बनता है, पेन से बना। एक आर्टिस्ट जो है बहुत टाइम में इसको पेन से क्रिएट करता है। एवरी सिंगल डिटेल इज विजिबल, दिस इज़ वेरी नाइस, सटल, सोवर एंड एक्सट्रीमली आर्टिस्टिक। ये हम तो करना क्या है कि आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि किस तरह से आप जो है ये यू विल गेट इट फॉर फ्री। इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब दोनों के ऊपर हम इसको रन करेंगे। हाँ जी, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है सर? हाँ, ये भी बहुत फाइन आर्टिस्ट है हमारा जी, बहुत अच्छा नाम है। ओके, ये क्या प्राइस रेंज में होगा? ये 18,000 रुपए की है। ऑलराइट, हाँ जी, ये जो पेंटिंग है दोनों, ये क्या प्राइस रेंज में होंगी? ये 750 ईच है हमने रखा हुआ है। अपने लिए भी लूंगा, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा फ्रेम चेंज करूंगा बिकॉज मेरे घर को वो थोड़ा सूट करेगा जो भी आपके। राइट, ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट 750 rupees इज नथिंग। ओके सर, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी कि आप बता रहे थे, प्लीज कम दिस साइड, लेट मी टेक यू इन द कैमरा। आप मुझे बता रहे थे कि
जब वीडियो डाला था, वीडियो डालने के बाद में काफी सारे आर्टिस्ट हैं वो आपके साथ टच में आ गए। हाँ, ये आर्टिस्ट एमपी से है। अच्छा। हाँ, हमारे पास यूपी से, एमपी से, बल्कि श्रीनगर से भी आर्टिस्ट आए हैं। अच्छा। हाँ, और मतलब काफ़ी हर जगह से तकरीबन आर्टिस्ट हमारे पास आए, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बहुत वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के जो अभी आपको दिखाया वाटर कलर, ये वहाँ आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट है, ये उनका काम है वेस्ट बंगाल का, तो ये उड़ीसा का काम है। अच्छा। हाँ, तो आप बता रहे थे कि वो आपके साथ कनेक्ट हो गए और उनका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इंडिया में और स्पेशली मिड सेगमेंट में आर्टिस्ट की मतलब आर्ट की इतनी वैल्यू भी हो नहीं रही थी जितनी होनी चाहिए। अब छोटे विलेज से, विलेज में अगर आर्टिस्ट है तो उसका जो है वहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है उसको कौन है क्या है, इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मगर वो जब उसने हमारी वीडियो देखी, आपकी वीडियो मतलब आपके थ्रू हमारे को देखा, तो उन्होंने फिर हमारे को कॉल किया, कॉल करके उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें पेंटिंगें दिखाई, हमने उनको भेज दियो, उन्होंने भेजा 15 मिनट में उनको पेटीएम। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक यू ऑन एवरी सिंगल आर्टिस्ट बिहाफ, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और आपकी गैलरी को कि आपने आर्टिस्ट को काम दिया, जो सबसे बड़ी बात है, राइट? पैसे तो सभी कमाते हैं लेकिन आर्ट को प्रमोट करना एक आर्ट है। मैंने बताया था लॉकडाउन में मैंने काफ़ी पेंटिंगें खरीदी थी, जो अच्छी अच्छी पेंटिंगें थी वो जो साइज बड़े थे तो वो वहाँ तो लग नहीं सकते थे गोल्ड मार्केट, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। चलिए, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये नेचर का क्रिएशन पे देखिएगा आप, राइट? ये इंग्लिश पेंटिंग है, उसका रेप्लिका है। हाँ जी, ओके, उससे इंस्पायर्ड है ये। हाँ जी, चलिए, प्राइस आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो प्लीज मुझे प्राइस बता दें। ये कॉर्नर में है, दैट्स ऑल वेरी अरेबिक है ना। हाँ जी, एंड देन बुद्धा, ये बुद्धा है हमारा, बहुत फाइन आर्टिस्ट का काम है ये भी मैंने लॉकडाउन में लिया हुआ है। ओके। हाँ, वैसे इसका पेंटिंग काफी महंगा बिकता है और इसका बहुत रिजनेबल आपको लगाया है, राइट? हाँ जी। ओके, एंड देन बनारस। हाँ, ये बनारस, ये भी हमारा, ये वेस्ट बंगाल का आर्टिस्ट है। अच्छा। हाँ, इसका इसका काम लिया आपने, काफ़ी डन। हाँ, और ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट कमर्शियल आर्ट है, दीज आर आल्सो ओरिजिनल वर्क, ये वाटर कलर्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ जी। तो ये क्या प्राइस रेंज में? ये 1500 रुपए का एक है। चलिए, ये भी हमें लगता है कि ग्रुप में खरीदनी चाहिए, सिंगल सिंगल नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दीज आर द ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग्स। तो जनरली लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपको मार्क कर देते हैं। हाँ जी, दिस इज वेरी नाइस। हाँ जी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है, है ना, बहुत बढ़िया। ओह, ये आर्टिस्ट कहाँ से? ये दिल्ली का आर्टिस्ट है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनके कलर पैलेट बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, है ना, बहुत सटल कलर्स यूज किए हुए हैं, रिलीजियस होने के बावजूद भी वेरी आर्टिस्टिक, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। क्या प्राइस रेंज में होगा सर वो? ये 18,000 रुपये का जी। अच्छा, ठीक है। एक इस तरह की पेंटिंग्स को आपके ख्याल से एक आर्टिस्ट को कितना टाइम लगता होगा बनाने में? ये कम से 2 दिन के अंदर बना देगा वो। अच्छा। हाँ, फिर भी काफ़ी फास्ट है। हाँ, क्योंकि उन लोगों की तो खैर नहीं, हमारे पास जिंदगी दी होती है उन्होंने, जो क्या कहते हैं, जो 18,000 की पेंटिंग अगर हम बेच रहे हैं और वो इतना जल्दी नहीं बनाएगा, अगर वो एक महीना लगा देगा तो उसको क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक बात है, उसको भी देना है हमने। हाँ, ठीक बात है, उनको थोड़ा फास्ट काम ही करना पड़ता है। हाँ, है ना? फिर भी 2 दिन बहुत जल्दी नहीं है सर, बहुत जल्दी बना देते हैं। इतने लेवल तक पहुँचने में उनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, तब जा करके 2 दिन में बना दिया। अगर कोई नया आर्टिस्ट बनाएगा तो वो तो एक महीना लगा देगा इसको बनाने में। बिल्कुल ठीक बात है, और शायद बन भी नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगी, राइट? ओके, तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी स्टोरी है किसी आर्टिस्ट की, जब जिसमें ये था कि उन्होंने किसी का पेंटिंग किया था, एक वेरी फेमस स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट, फ्रांस की स्टोरी है, वो उन्होंने ड्रॉ किया, तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे, तो देन आर्टिस्ट सेड $100। तो जिनका स्केच बना था वो बोले $100, इट टुक यू जस्ट 30 seconds। तो उन्होंने बोला कि बट टू रीच टू दिस लेवल इट टुक मी 30 years। मतलब ये लेवल पे पहुंचने में 30 साल लगे मेरी जिंदगी। चलिए, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। चलिए, मूव ऑन करते हैं, अगला देखते हैं अभी। अब ये देखो, ये मॉडर्न में है, इसमें भी थोड़ा इम्बोज काम है सारा, थोड़ा ये जो राउंड किया हुआ ना, और इम्बोज में काम है। ये दो का पेयर है, ऐसे पेयर में लगा सकते। क्या रेंज में होगा ये? 7,000 का पेयर है। अच्छा। सिंगल लेना चाहो सिंगल भी मिल जाएगा इसमें आपको। चलिए, ये भी ऐसी टेक्चर का काम है सारा, तो ये भी बढ़िया काम है इसमें, डन। ये वाटर कलर है, ओरिजिनल है ये भी? हाँ जी, ये भी सारे ओरिजिनली कलर है हमारे पास, अभी एक भी हमने प्रिंट नहीं दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या प्राइस रेंज में होगा सर वाटर कलर? ये 1500 रुपये का। ये वाला नहीं, ये तो 4500 का है। हाँ, इट्स वर्थ इट। हाँ, ये स्मॉल साइज है, वो बड़ा साइज है। दिस इज ओनली 1500 रुपये। हाँ जी, ओके, विद फ्रेम।
हाँ जी विद फ्रेम। ओके डन। एंड इसके ऊपर जो है अफ्रीकन आर्ट, ये अफ्रीकन आर्ट है। ये कितने का होगा? ये 22,500 रुपए का है। चलिए ठीक है। एंड देन मोल ऑफ कश्मीर, ये 18,000 रुपए का। ओके बुद्धा, ये वाला आपका 6,500। ओके एंड दिस इज कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस, ये उड़ीसा का आर्टिस्ट है, जगन्नाथ जी का बनाया उन्होंने। वो ये भी बहुत फाइन आर्टिस्ट है जी। ये पेंटिंग 2007 की खरीदी हुई है, देखिए। ओके और तब से आपके पास है? बहुत हाँ, ये 11,000 की है। ऑलराइट। हाँ, मगर ये काम बहुत आर्टिस्टिक काम है, डिटेल काम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बाकी ये वही आपको जो राधा किशन वाला दिखाया था, वही आर्टिस्ट है ये वाला। ओके हाँ जी डन। और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी? हाँ, ये वो कमर्शियल आर्टिस्ट, ये कमर्शियल काम है जो। अच्छा ठीक है डन। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास और भी पैनल्स हैं ना। अब हमारे पास जो नीचे स्टॉक है वो देख लेते हैं। हाँ जी, कलेक्शन बहुत बड़ा है सर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैंडपेक्ड हैं, मतलब मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को पसंद आएंगे। विल शो दिस, ये देखिए, ये हाँ, ये भी अच्छा आर्टिस्ट है। ये मैंने लॉट उठाया है पूरे स्टूडियो में जाकर के ना, इसमें आप देखोगे सैन नहीं है जी, और कईयों में सैन है। वो मैं आपको इसके इससे थोड़ा बड़ा साइज है उसमें सैन है, छोटे में है उसमें सैन है, इसमें नहीं है। मतलब जो भी था मैं ये ले आया। ये बहुत मतलब बहुत फाइन आर्टिस्ट है ये भी हमारा। और सर ये क्या साइज में? माय फेवरेट, ये 53x53 है। अच्छा। ये पूरा टेक्सचर का काम है, बहुत नाइफ से काम सारा किया हुआ ये। अच्छा, नाइफ। हाँ, नाइफ वर्क का काम है और बहुत बढ़िया हमारा आर्टिस्ट है ये। ये भी वेस्ट बंगाल का आर्टिस्ट है। अच्छा। हाँ, मगर यहाँ दिल्ली रहते हैं, मगर बहुत बढ़िया काम है ये। बहुत अच्छा। हाँ, है, वेरी नाइस। हाँ जी, ये 35,000 का है, 53x53 का साइज है। ओके हाँ जी डन। चलिए अगला देखते हैं अभी हम। स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता। हाँ जी। ओके वेरी नाइस। ये कलकत्ता का एक्चुअली देखा जाए ना, ऊपर लगने के बाद ही इनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। हाँ जी, हाँ जी, जब तक सामने लगी रहो तो। अब गोल मार्केट में तो यही प्रॉब्लम थी कि जगह नहीं थी, डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे ढंग। यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रहा है, ढंग से दिख रहा है, तो ये वो चीजें है। स्ट्रीट है। अच्छा, ये भी कलकत्ता है। हाँ, काम देखिए कितना फाइन वर्क है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ जी, ये सब क्या रेंज में होंगे सर? सर ये अभी इसका हमने अभी शुरू किया, तो अभी इसका अभी इसका निकाला नहीं है हमारे पास। हाँ जी, ठीक है। ये टेक्सचर जैसा फिनिश होता है। हाँ, ये आई डोंट नो हाउ डू दे क्रिएट दिस। यही तो मास्टर है आर्टिस्ट इस काम में। लुक एट दिस, मतलब पूरा स्टोन का फीलिंग आता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बहुत फाइन आर्टिस्ट है हमारा, बहुत ही फाइन। वेरी नाइस। ये 63,000 की है पेंटिंग और बहुत ही बढ़िया काम है इसका। इनका स्पेशलाइजेशन होता है, हर हर आर्टिस्ट का ना अपना एक स्ट्रोक का पैटर्न है। हाँ जी, राइट। ये दिखाई टर्न अराउंड करके, वेरी नाइस। ये देखिए, ये इंग्लिश पेंटिंग की कॉपी है। अच्छा। हाँ जी, और ये 18,000 की है। साइज वही 63 वाला ही है, सेम साइज है जी। अगर आर्टिस्ट फर्क है तो फिर रेट भी फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, डिटेलिंग का फर्क। हमें तो थोड़ा सा मार्जिन लेना है, चाहे साइज कोई भी हो, आर्टिस्ट कोई भी हो, हमने रिजनेबल मार्जिन पे काम है। मतलब जो आता है अपना रिजनेबल मार्जिन लगा करके देना है। साइज चाहे बड़ा है, दोनों के बराबर साइज है, मगर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हमें तो अपना जी। ये भी हमारा फाइन आर्टिस्ट है, इसका काम भी हमने एक लॉकडाउन में खरीदा हुआ है। अच्छा, ये कहाँ से है? ये दिल्ली का ही है। अच्छा। और मतलब साइज क्या होगा इस पूरे पेंटिंग का? साइज क्या है देखना, अप्रोक्सीमेटली 5 feet से ऊपर होगा ना? 64 inches। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थोड़ा सा आपको इंसिस्ट कर देते हैं ये दिखाने के लिए, बट इट्स वेरी लार्ज साइज पेंटिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, है ना, बहुत। ये काफी अपर रेंज में भी है ये? हाँ, सबसे महंगी है ये, 96,000 की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या साइज है सर? 51x76 है। ओके हाँ जी, हमने इसका हाफ दिखा पाए बिकॉज स्पेस का थोड़े कमी है यहाँ पे। हाँ जी, सो दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो देख लेते हैं अभी हम। ये पेंटिंग जो है ना, ये एक पेन से पूरी की पूरी डली हुई है, कहीं पे कट नहीं है, कहीं पे भी कट नहीं है इसमें। सुपर, एक लाइन निकाली है तो पूरी की पूरी से गणेश जी बना दिए, मतलब बिना पेन को लिफ्ट किए। हाँ, बिना, वही, कहीं पे भी कोई कट नहीं है। सो नाइस, बहुत अच्छा है ये। क्या प्राइस रेंज में? ये 25,000 का पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, डन। इसके अलावा और भी है हमारे पास? ओके, ऑलराइट। हमने बोला था थोड़ी सी दिखाएंगे, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ आर्ट वर्क्स। ओके, लेट मी शो इट, जरा दिखाना और आगे। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके डन। सर, इनको जब हम डिस्पैच करते हैं लार्ज साइज में, तो फिर कैसे हम भेजते हैं?
वैसे तो अगर जैसे इसको खोल के रोल करके भी भेज सकते हैं, मगर उसमें प्राइस कम नहीं होगा। और आप अगर फ्रेमिंग पैकिंग करवा के लेना चाहते हैं पूरा का पूरा विद फ्रेम के साथ, तो उसमें पैकिंग चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें। चलिए ठीक है, डन। इसके अलावा छोटे साइज के बड़े साइज के बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, हाँ जी। ओके, हाँ जी। अब जो हमारा फेवरेट सेक्शन है वो हम एक बार दिखा दें। हाँ, एक ये देखो, ये नेचर नेचर वाला हमारा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ये। इसका काम है नेचर पे जी। ये ओके, ये 4500 की है। एक ये हमारा आर्टिस्ट है, इसमें ये सेट है पूरा, ये 3 पीस का सेट है। अच्छा, ये ऐसे ओके सेट में ही मिलेगा ये पूरा। हाँ, ये पूरा सेट का है। इसमें पेयर वाले भी हैं, ये जैसे ये पेयर हैं जी, ये मिल जाएंगे इसमें। इसमें ये पेयर है, देखिए ये पेयर है, राइट, ये मिल जाएंगे आपको। ये बर्ड्स भी है इसके, इसके हाँ, ये देखिए ये पेयर वाला है जी, ये सिंगल, ये पेयर है। अच्छा, ये 3 का सेट है, बल्कि सेट ऑफ 3। हाँ जी, हाँ जी। एक ये देखो, ये पेयर में है। अब काम देखिए ना, कितना डिफरेंट काम। इसको हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग इसको बनाते हैं। हाँ जी, हेयर ड्रायर। ये देखो, ये देखो, ये लीफ, ये लीफ का, ये सारा ये एम्बोज वर्क काम है। वर्क है। हाँ जी, इसमें ये पेयर है, मतलब काफ़ी काम है। और एक ये आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट वाला आर्टिस्ट है, ये तो हमारा बहुत ही फाइन आर्टिस्ट है। इसमें क्या फॉइल वर्क भी है बीच में? इसमें फॉइल वर्क भी काम है। हाँ, और पूरा मतलब क्लास आर्टिस्ट। इसको ये लोग पेंटिंग जो लगाते हैं ना, वो सुनी दीवार जो होती है ना वाइट, उसको कलर करने के लिए लगाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें कलर देखो सब कुछ है। एंड मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स इनमें सारे कलर सारे कलर आपसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये मतलब हर किसी के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। एक सर ये वाला और दिखा दे मुझे पीछे। हाँ, ये तो है ही बहुत सारे ऑप्शन जी, जो ब्लू में है ये क्या? ये जो है थोड़ा अपकमिंग आर्टिस्ट है, ये फॉइल वर्क में, फॉइल वर्क में काम कर रहा है ये जी। हाँ, ये अभी बहुत छोटा आर्टिस्ट है, और मगर काम बहुत अच्छा किया है फिर भी, अच्छी प्रोग्रेस की है। बहुत एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। हाँ जी, जी राइट। हाँ, उस हिसाब से प्राइस भी हमें इसका रिजनेबल है, हमारा 3500 का है ये। अच्छा, हाँ जी, ओके, मॉडर्न है सारे। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी सारे स्टॉक आपने लिया हुआ है बहुत। हाँ, हाँ जी, इस वाला डिजिटल है। अच्छा, हमारा, और बाकी सारी पेंटिंग है। अच्छा, हाँ, ये आप इसको आप सीडियो में भी यूज कर सकते हैं। ये पैनल जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, जी जी जी, इसको आप सीडियो में भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, डन। ओके, एंड देयर इज नो एंड टू इट, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ पेंटिंग्स है जो मैंने निकलवाई है फेवरेट, है ना, जिसके बारे में हमने बोला था कि आप इनमें से चूज कर सकते हैं। वी विल रन द कॉन्टेस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ, दोनों जगह पे ये हम कॉन्टेस्ट रन करेंगे। माई फेवरेट, आई लाइक इट फॉर द सिंप्लिसिटी, और इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये मुश्किल पेंटिंग है, और इसमें लाइक कैलीग्राफी जैसा है ये, जिसमें सिंगल पेन से बनाया जाता है, राइट? हाँ जी, ठीक है। और दिस इज 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजाइन हैं इसके, इधर भी है ऐसे। और ये है, ह्यूमन फिगर्स भी हैं इसके अंदर, और सिटीज भी हैं। ये सेम आर्टिस्ट हैं? ये सेम आर्टिस्ट है, एक उसने ये वाटर कलर भी काम किया हुआ है। अच्छा, सेम आर्टिस्ट हैं ये भी? हाँ जी, हाँ जी। ऑल राइट, सो यू कैन बाय दिस, और एल्स यू कैन चेक, वी हैव दिस कॉन्टेस्ट रन इन, हम 2 से लेकर 4 पेंटिंग्स तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज। इसमें तो जो पहले आ गया उसको मिल जाएगा, दोबारा दूसरा पीस पता नहीं मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो कितने का मिलेगा वो नहीं कुछ कह सकते। राइट, सो दो एक काम करते हैं, इसको इसका कॉन्टेस्ट रन करेंगे, 2 पेंटिंग्स यूट्यूब के लिए और 2 पेंटिंग्स इंस्टाग्राम के लिए करेंगे। हाँ जी, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, अगर आप तो 2 आप वहाँ से जीत सकते हैं, 2 यहाँ से जीत सकते हैं। बेस्ट कॉमेंट को हम इसमें से कोई भी 2 पेंटिंग्स क्लैपट्रैप की तरफ से और अर्चित आर्ट गैलरी की तरफ से हमारे व्यूअर्स को देंगे। हाँ जी, राइट, बिल्कुल, ठीक है सर। सो टाइम टू रैप अप, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी अगर हमारे व्यूअर्स को दें? डिजिटल में एक हमारे, ये डिजिटल में? हाँ, ये डिजिटल में। अच्छा, ये देखिए, ये डिजिटल में। अच्छा, ये क्या कॉस्ट में होते होंगे? ये 2000 की है जी। ऑलराइट, विद फ्रेम। ओरिजिनल वर्क नहीं है ये? ना, ये रियल वर्क नहीं। चलिए ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो जिनके बजट थोड़े कम बजट वाले, और वो चाहते हैं कि मतलब 8 पीस उनके पास भी चला जाए। पूरा कलेक्शन डिजिटल का? ये डिजिटल, ये दोनों लेने डिजिटल की है। अच्छा, और मैं एक बात आप और बताना चाहता हूँ, ये अभी हमने 15 दिन हुए ओपन किया हुआ है जी, और मतलब समझो कि 40% माल आया हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, और बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है कलेक्शन, इतना है मेरे पास लूज में अभी, इतना है कि वो धीरे धीरे बन रहा है, और वो जब 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा एक गैलरी पूरी भर जाएगी। और
जब आप आएंगे तो आपको और भी, हाँ, और भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड सेक्शन एक और है क्विकली, हाँ वो भी दिखा दें। ये हाँ ये भी हमारा सेक्शन, ये हमारा वही वाटर कलर्स पे, वाटर कलर्स हाँ जी जी ओके। ये बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे कलर। ये इनको हमने स्पेशल इसलिए रखवाया है यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आप आर्ट को समझे। बनारस घाट है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया है ये। ये वाटर ऑन कलर, वाटर कलर है हाँ जी, पेपर लाइक दिस वन। ये देखिए, ये यूरोप का सीन है, स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट जी, ये देखिए फॉरेस्ट है। इसका बेसिकली एक थीम है अगर आप देखें, हाँ जी हाँ जी, नेचर का एक पूरा थीम है, स्ट्रीट का पूरा थीम है। ये एक नहीं लेता कोई भी, ये तीन या चार ऐसे लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि इसको एक ही वॉल पे 10-10 पेंटिंगें भी लगाते हैं। हाँ, that's how it is supposed to be. मतलब मेरा प्लान भी खरीदने का ये है, जैसे ये है, ये है, मेरा भी आइडिया यही है कि मैं भी इनको अलग अलग फ्रेम्स में करा लूँ, कुछ बड़े फ्रेम्स, कुछ छोटे फ्रेम्स, कुछ में माउंटिंग ज्यादा करके, और इस तरह से पूरे कॉम्बिनेशन में इनको लगाना चाहिए। अब ये 1500 में ढूंढते रहेंगे, कहीं नहीं मिलना। नथिंग, 1500 रुपए इज नथिंग, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कुछ भी नहीं है ये। मतलब सो इट्स अ सजेशन कि आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, बजट तो बहुत ऑलरेडी अच्छा है ही, अगर आपको फ्रेम चेंज कराने तो वो करा सकते हैं, वो आप अपना खुद जो अदरवाइज ये फ्रेम करा लीजिए। ये भी सर फाइनल नहीं है ना, इसके ऊपर प्लास्टिक, ये ऊपर फिल्म लगी हुई है, फिल्म लगी हुई है ऐसे इसका फ्रेम, हां जी हां जी, राइट। फ्रेम बुरा नहीं है, फ्रेम अच्छा है, फ्रेम अच्छा है। ये जब दीवार पे लगेगा ना तब आपको समझ आएगी कि क्या चीज है ये। बिल्कुल हाँ, ये इन केस आपको ब्लैक ब्लैक कुछ करना है, कुछ करना तो वो अपने हैंड पे आप करवा सकते हैं, अपने घर के आसपास जो भी फ्रेमिंग वाला होगा वो करवा लीजिए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, डन। टाइम टू से गुड बाय, और फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं। आप आए हैं हमारे पास और वीडियो बनाई है, और आपके थ्रू हमारे पास आपके व्यूअर्स सारे आते हैं। थैंक यू वेरी मच, इनफैक्ट मैं सारे आर्टिस्ट के बिहाफ पे और सारे आर्ट लवर्स के बिहाफ पे आपको पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू, आपको बताया था ये है गिव अवे वीडियो, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और वो जो पेंटिंग हमने दिखाई थी ब्लैक एंड वाइट, वो आपको क्यों अच्छी लगी उसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दें, आपको वहाँ से दो पेंटिंग्स मिलेंगी एब्सोल्युटली फॉर फ्री। हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम कैंपेन है, अगर आप वहाँ भी जीत जाएंगे तो आपके पास टोटल 4 पीसेज हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट लिखें, यू कैन बी द लकी।